सो यू आर सभी वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आ चुके हैं हम लोग अपने एक नए गेम प्ले सीरीज के अंदर। तो हाँ, जैसे कि आप आ चुके हैं हम लोग, तो आप लोग देख रहे होगे कि हमारा जो नंबर दो है उसने देखा कि ये हॉट ड्रॉप पर जा रहे हैं हम लोग, तो वो हमारे साथ नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, हुई रैंक पोशिंग अभी जैसे इसकी तरह ही हमें अभी ये रैंक पोशिंग डुओ मिलती है, लेकिन अभी तुम लोग देखना यार, देखते जाओ, यहाँ पे कोई नहीं आया। देख लो जॉर्ज जो हॉट ड्रॉप पर है लेकिन तब भी कोई नहीं आया। तुम लोग बताओ मैं कहाँ जाऊँ, मतलब तुम बता दिया करो यार। एक बार की वीडियो में क्या हुआ कि मैं मतलब रोज गया, क्योंकि बंदे कहीं मिलते नहीं है। इस टाइम तुम लोग सीजन के एंड में भी रैंक पोशिंग कर रहे हो भाई, मतलब रैंक पोश की भी हद होती है। अब हॉट ड्रॉप पर जाओ तो बंदे नहीं आते, हॉट ड्रॉप पे नहीं जाओ, ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे उम्मीद होती है तो वहाँ पे भी नहीं आते। तुम लोग जाते का कमेंट करके जरूर बताओ। और फिलहाल दादा ये बहुत ज़्यादा आते हैं, बोलते हैं आजा 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 एक बार आजा। तो मैंने बोला एक बार क्यों, तुम 10 बार आओ, हम तुम्हें 10 बार आएंगे तुम्हारे पास। और इस बार की क्वालिटी में आपको जो है थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखना को मिल रहा होगा, क्योंकि ये मैंने खेली है HDR में। हाँ हाँ, मैंने पता है, मैंने अपनी GND से लेवल के बाहर से खेल लिया, तो इसलिए। तो अब छोड़ो, अब मैं तुम्हें उन देखो कैंपर्स के 3 लेवल होते हैं। एक होते हैं कैंपर्स, ठीक है, मतलब रैंक पुशर्स के, एक होते हैं रैंक पुशर, एक होते हैं महा रैंक पुशर, और एक होते हैं महाराजा रैंक पुशर्स। अभी वही आने वाले हमारी लॉबी में महाराजा रैंक पुशर्स आए थे, पता है क्यों, अभी तुम देखते जाओ। ये देखो ये लोग आए हैं बाइक पे, अभी आए ये लोग, जस्ट अभी आए हैं। तो हमें हमारे नंबर 3 ने बता दिया था। अब आपको पता होगा नंबर 3 हमारे मतलब स्क्वाड का वन ऑफ द बेस्ट एसल्टर है, बट इस ये जोश में खेलता है, होश में नहीं खेलता है। तो ये हाई टायर गेम प्ले गाइस, तो इसलिए देख लो इसके जोश में खेलने का नतीजा। अगर यही होश में खेलता तो ऐसा ना होता, क्योंकि इसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है गाइस। अगर आप भी कोई हाई टायर खेलते हो तो आपको भी पता होगा, उसमें आपको जोश में नहीं होश में खेलना पड़ता है। तो इसको कोई कॉमेंट करके जाकर इसको बताओ यार, जल्दी कॉमेंट सेक्शन में लिख दो भाई #, जोश में नहीं होश में खेलो, इन द चैट मीन्स इन द कमेंट सेक्शन। और क्या, अब जो पहला बंदा मैंने जो नॉक किया ना M4 का, इस पर थोड़ा इधर उधर निकल गया, क्योंकि ये मेरा सेटिंग्स में रीस्टार्ट किया था, तो इसलिए गायरो ऑन नहीं था, मैंने बाद में चेक करके ठीक किया। और यहाँ पे तो हमने थोड़ा डांस किया, ये तो पहला जम है अभी तो शाम है, तो बाकी का नहीं आता, गाने तो एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पे तो हमने इसको इतना मस्त रोल किया कि ये साला दुख के मारे मर गया। अब यहाँ पे एक बॉट आया तो उसने बोला भैया दे दो, जा अपनी KD मेंटेन कर। तो वहाँ से हम लोग पोचिंग की आ गए, तो पोचिंग में भी कोई मिला नहीं, हम लोग ने पूरा छान मारा, तो वो पार्ट दिखा के कोई फायदा नहीं था। अब हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार चलो अब एम्यूजमेंट पार्क चलते। और गाइस आप लोग ये जरूर बताना कमेंट करके कि आप क्या सोचते हो, कि मतलब मेरे को ऐसी क्वालिटी में खेलना चाहिए या क्वालिटी और अच्छी लगी है। तो यहाँ पे तो हमारा थोड़ा लैग हो गया था, मतलब आपको तो पता ही है हमारे फोन कंडीशन, तो छोड़ो यार फोन का तो घटिया है। तो यहाँ पे तो मतलब हम आए, हमें सामने की तरफ बंदे भी दिखे, तो अब हमने ठोकना शुरू करते हैं। इस महासे को बॉटी मिल जाता है हर समय बीस्ट का, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे हमने रियल बंदे को मार दिया, पर जो भी हो, तो हमने सोचा चलो गाड़ी ब्लास्ट कर दे, तो वो भी बंदा ब्लास्ट होगा, उसकी हेल्थ कम गई होगी इससे, ये सोच के मैंने गाड़ी ब्लास्ट कर दी कि उसके आसपास में अगर बंदे हो तो वो भी ख़त्म हो जाए। गाइस आजकल मैं आपको ये ऐसे गेम प्ले ला रहा हूँ ना कि मतलब जिससे आप लोगों को समझ में भी आए टीम वर्क का नतीजा। इस गेम प्ले में वही है, देखते जाओ अभी। देखो फिर से अभी नंबर 3 का देखना क्या होता है, मतलब इसको आदत नहीं है ना ऐसी लॉबी खेलने की, क्या बताएं यार। कोई बात नहीं, ऐसा होता है यार, बट सब वो भी बहुत अच्छा खेलता है यार, जो भी कहो सब अच्छा खेलते हैं, बट ये आदत के ऊपर है, वो आदत से मजबूर है यार, क्या करें। चलो कोई बात नहीं, फिर से हम उसको रिवाइव दे देते हैं। हमने फिर से 2 बंदे यहाँ पे भी ठोक दिए, टोटल 3 बंदे यहाँ पे भी ठोक दिए, वहाँ पे भी 3 बंदे ठोक दिए। अब गाइस एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं आपको पहले ही नहीं बता रहा, आपका सस्पेंस खराब नहीं कर रहा, छोड़ो। तो गाइज अभी हम लोग, मैंने देखा कि हम लोग 200 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं यार, और यहाँ पे ये मैंने Car98 उठा के बहुत बड़ी गलती की। अभी तुम देखना क्यों भाई, तू तो Car98 चला लेता है, तूने गलती क्यों की उठा के, अभी तुम्हें पता चलेगा भाई क्यों गलती की।
वो तुम्हें भले समझ में ना आए, एक तरीके से ये गलती तुम कह भी सकते हो, नहीं भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें जो मेरी गलती होगी वो तो अब मैं बताता हूँ क्या होगा। अब वहाँ से हम लोगों ने लूट पूट की, अभी हम लोग यहाँ पे आ गए रिजॉर्ट की हिल पे आ गए। अब हम लोग ने मैंने इन लोगों को बोला यहीं पे रोको यार, वरना फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो यहीं पे रोक दो। बट इन्हें थोड़ा आगे जाना था इन वहाँ से को, हम लोग भाई बस, तो यहाँ पे हमने रोकी गाड़ी, रुकवाई या फिर कह सकते हो। तो यहाँ पे हमें सामने की तरफ बंदे दिख रहे थे, लेकिन उसी टाइम पे बंदा पीछे की तरफ चला जाता है। मैंने उसको मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। गाइस इसमें मैं एक भी सीन काटने नहीं वाला, यहाँ पे मेरा बहुत ही लैग हो रहा था, और ये बंदा रुक नहीं रहा था यार, रुक ही नहीं रहा था, मतलब क्या ही बताऊँ यार, मतलब रुक भी रहा था तो बहुत प्रॉब्लम दे रहा था। अब जैसे ही उसका एक बंदा नॉक हुआ, मैंने बोला भाई इससे अच्छा मौका नहीं है एक टीम को सलटाने का, इससे अच्छा मौका नहीं है। तो हम लोग ने डिसाइड किया पूछ करते, हम नंबर दो की गलती देख रहे हो, मतलब अकेले अकेले जा रहा है सामने की तरफ, तो वो एकदम सामने चला गया नंबर दो, जैसे कि आप देख सकते हो, मतलब पेड़ के पास। अब देखना वो उसकी क्या गलती हुई, अब तुम देखते जाओ। उसने यहाँ पे, हम लोग ने सोचा कि वो पीछे की तरफ कवर देगा, लेकिन ये हमारे जो महान ड्राइवर है ना, इनने रास्ता ही चेंज कर दिया। मैंने इनको बोला कि हिल्स पे ले जाने, तो इनने यहाँ पे आके रोकी गाड़ी। मतलब अब देखो ये अपनी गलती से मरेंगे भी, हाँ हाँ मर गए तो मैं शांति मिल गई है। अब यहाँ पे मैंने देखा कि भाई गलत टाइम ही रिलोडिंग पे डाल दी मैंने, और यहाँ पे भी इसको भी मैं खा गया बहुत ही आराम से। अब मैंने सोचा कि पहले तो हील करना जरूरी है, तो हील करेंगे पहले हम। तो यहाँ हम आराम से हील कर रहे थे, क्योंकि अभी हमने बंदे तो निपटा दिया था, बट नंबर थ्री को नहीं बचा पाए थे। अब देखना, अब देखो, अब नंबर दो भी अलग है, अब ये भी इसकी गाइस, एक तरीके से मैं बोलूँ ना, हम लोग ये मैच क्यों नहीं जीते, मैं बता रहा हूँ ये मैच नहीं जीते, ये वाला चिकन डिनर नहीं है यार, हर बार की तरह ये वाला चिकन डिनर नहीं है। गेम बड़ा अच्छा चल रहा था, बट क्यों नहीं है वो अभी आपको पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टीम कोऑर्डिनेशन गलत हो गया था यार। यहाँ पे भाई, यहाँ पे नंबर वन ने मेरी जगह रोक दी, मैंने बोला भाई यार जल्दी हटो जल्दी यार। तो अब मैं यहाँ से बंदे स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था कि कहाँ कहाँ पर हैं, क्योंकि हमें तो नॉक करना था, उसके बाद ही पुश करना था। अब यहाँ पे नंबर दो को देखना, अब मतलब यार तुम्हारे पास बंदे हैं, नहीं मार सकते तो यार आ जाओ यार। यहाँ पे हमारे 8 खेल भी हो गए यार बड़े आराम से, लेकिन ये देखो यार यहाँ पे हमें बंदा तो दिखा। अब हम इसको एक हेडशॉट भी देते हैं, ले बेटा पाट्टा से। तो यहाँ पे तो इसको बड़ी आराम से हेडशॉट देते हुए मैंने बोला भाई जल्दी पुश करो। गाइस अभी आपको ये वाला सीन अच्छा लगे ना, तो उसके लिए तो एक लाइक बनता है यार। अभी तुम देखना यार मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्यों लाइक बनता है इसके लिए, क्यों यार। अगर यहाँ पे नंबर 3 जिंदा बच जाता ना यार, उस बंदे ने कहते खा लिया उसको, अब छोड़ो अभी देखो बस, तुम सीन का मजा लो। एक गया, दूसरा भी टपक गया, यहाँ पे दो टपक गए, ठीक है, लिटरली एक गार से दो बंदे टपके। अब देखो, अब ग्रोजा से लेकिन कभी पंगा नहीं लेना, ये मैंने एक सबक सीखा। इसको भी नॉक किया यहाँ पे मैंने, अब देखना नंबर एक को इसने मारा, मेरे को पता नहीं था ये बंदा यहाँ पर है। अब इसके पास ग्रोजा थी और मेरी हेल्थ कम थी, बजा दिया इसने। अब मैं बता रहा हूँ, अगर इसने एक गोली मार दी होती ना, ये खत्म था। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मैं और मैं मिलता हूँ ब्रांड न्यू वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये 1 HP बताया साला कमीना कहीं का, चलो बाय, व्हाट्सअप।